Hey, wake up everybody. तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो हम कर रहे हैं स्पीड टेस्ट बिटवीन Redmi Note 5 एंड Lenovo ZUK Z2 Plus. हम लोग ये स्पीड टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों फ़ोन का प्राइस अभी मार्केट में सेम जा रहा है. ऑन दी लेफ्ट हैंड Lenovo का जो फ्लैगशिप फ़ोन है 2016 का, वो देता है आपको स्नैपड्रैगन 820 विथ 3 GB ऑफ रैम. एंड ऑन दी अदर हैंड जहाँ Redmi का बजट किलर Redmi Note 5 है, वो देता है आपको स्नैपड्रैगन 625 विथ 3 GB ऑफ रैम. दोनों के ही 4 GB वाले वेरिएंट आते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही 3 GB वाले हैं. तो ये थे दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस. अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ. स्पीड टेस्ट हो चुकी है स्टार्ट. तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि Redmi Note 5 ने कैमरा से ले लिए यहाँ पर Lenovo ZUK से लीड, और Redmi Note 5 बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जबकि Lenovo ZUK Z2 Plus ने कैमरे में थोड़ा सा लैग दिखाया था. Redmi Note 5 और Lenovo ZUK Z2 Plus दोनों ही बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं. जस्ट 1 लाख दिखने को मिला था, वो भी कैमरे में ZUK Z2 Plus का. और Redmi Note 5 अभी भी आगे हैं ZUK से. तो देखते हैं क्या ZUK लीड ले पाएगा Redmi Note 5 से या नहीं. सबवे सबर्स में ZUK थोड़ा सा क्लोज आ चुका है Redmi Note 5 का. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब दोनों ही टेम्पल रन में हैं, लाइक जैसे सबवे सफर में हो रहा था. तो देखते हैं कौन सा लीड ले पाएगा. ZUK थोड़ा सा फास्ट हुआ यहाँ पर, और ZUK ने लीड ले लिया है. Redmi Note 5 इज स्टिल, दोनों अभी सेम ही हैं. यहाँ पर ZUK यहाँ पर लीड ले चुका है टेम्पल रन के बाद. ZUK का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो चुका है. जहाँ ZUK Z2 Plus एज अ फ्लैगशिप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा है, वहीं पर Redmi Note 5 का 625 प्रोसेसर थोड़ा स्लाइटली स्लो है. जैसा कि आप लोगों ने देखा, Z2 Plus ने अपना फर्स्ट लैप कंप्लीट कर लिया है 1 मिनट 23 सेकंड्स में. स्टिल Redmi Note 5 ने अपना लैप कंप्लीट किया 1 मिनट 27 सेकंड्स में. सिर्फ 4 सेकंड का फ़र्क था. और अब सेकंड लैप चल रहा है, देखते हैं अब कौन विनर होगा इस स्पीड टेस्ट का. वो आप लोग देख सकते हो गाइस, Redmi ने यहाँ पर रिफ्रेश लिया क्रोम को, वापस उसने रीलोड लिया पेज को, जबकि ZUK का पेज एग्जैक्टली जहाँ पर था वहीं पर खुला हुआ था. और यहाँ पर भी Redmi Note 5 ट्विटर खोलने में लगाया है टाइम, देन इंस्टाग्राम. ZUK Z2 Plus अब सबवे सफ़र में है, एंड स्टिल फेसबुक में भी रिफ्रेश हुआ है. जैसा कि मैंने कहा था, Redmi Note 5 का प्रोसेसर स्लाइटली स्लो है. मैंने इसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया था. यहाँ पर प्ले स्टोर भी रिफ्रेश लिया, जैसे कि फेसबुक ने भी खुलने में टाइम लिया, देन ट्विटर भी रिफ्रेश हुआ. यहाँ पर Lenovo ZUK Z2 Plus ने कर लिया अपना सेकेंड लैप भी कम्प्लीट विथ 2 मिनट 37 सेकेंड्स, अ ह्यूज विनिंग पॉइंट. देखते हैं Redmi Note 5 अब कैसे कितने टाइम पर अपना कम्प्लीट करता है ये लैप. सो दिस इज़ अप 2 मिनट 57 सेकेंड्स, 20 सेकेंड का फर्क रहा. सो हियर इज द विनर, Lenovo ZUK Z2 Plus. सो गाइज, रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपको पता है कौन है विनर. और आपको ये भी पता है कि दोनों ही फ़ोन सेम प्राइस में मिलते हैं. अभी आपकी चॉइस है आप कौन सा फ़ोन लो. टिल देन लाइक करो अगर पसंद आए वीडियो तो, और कमेंट करो कुछ पूछना है, फिर को सजेस्ट करना हो. सब्सक्राइब प्रैक्टिकली में आज इन, स्टे ट्यून, बाय.